हेलो दोस्तों, सहज गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रिजॉइनिंग का क्वेश्चन कुछ लाए हैं और एकदम इजी ट्रिक है। आप 5 सेकंड नहीं लगेगा, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है HOPE। तो देखते हैं, पहले लिखते हैं इसको HOPE। अब देखते हैं ये क्या किया है इसने। ठीक इसी तरह यहाँ पे नीचे लिखा है, साइड में लिखा हुआ है आई, इसके रिलेशन में ही आता है सीरियल में। उसके बाद आ रहा है पी, पी के बाद आ रहा है क्यू, क्यू के बाद आ रहा है एफ, यानी एच के बाद आई आ रहा है, ओ के बाद पी आ रहा है, पी के बाद क्यू आ रहा है और ई के बाद एफ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई अलग नहीं है, ये एक ही सीरियल में जा रहा है, यानी हमें मालूम है कि ये सोल्व बिंदास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ना घर छोड़ रहा है ना कुछ कर रहा है, सीधे डायरेक्ट अपने लाइन में ही जा रहा है। ठीक है, देखते हैं दूसरा। दूसरा जो सवाल है उसको हम सोल्व कर रहे हैं अभी, है MOLT। हम लोग लिख लेते हैं MOLT। अब देखिए नेक्स्ट ये क्या आ रहा है, एम के बाद एन आ जाएगा, एन के बाद क्या आ रहा है ओ, ओ के बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे पी। ठीक है, एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद एम आ जाएगा। ठीक है, टी, टी के बाद क्या आ रहा है यू। ठीक है दोस्तों, आपको मुझे मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आंसर है बी। अभी देखिए दोस्तों, ये 2 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग सोल्व करेंगे। देखते हैं इसमें कैसे सोल्व होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है MOBILE, यानी मोबाइल। तो यहाँ पर लिखते हैं मोबाइल, MOBILE। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वाला, NQEMQK। ठीक है, कैसे क्या किया है पहले देखते हैं। M के बाद क्या आ रहा है N, यानी यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं हुआ है, चल रहा है। फिर आ गया क्या Q, तो क्या किया यहाँ पे 2+ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2+ करते हैं, ये आ गया +2, तो यहाँ पर क्या आ गया Q। ठीक है, ये Q हो गया। उसके बाद आ रहा है E, तो यहाँ पर B का मान कितना दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है 3+, यहाँ पर 3+ करते हैं तो आ रहा है E। ठीक है, तो ये हो गया 3+, ई आ गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आई, आई का यहाँ पर कितना हो गया 4+, तो 4+ करके देखते हैं कितना आ रहा है, ये आ गया 4+, तो आई का मान दिया हुआ है एम, तो यहाँ पर एम बैठाते हैं। फिर आ रहा है एल का, एल का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है देखते हैं, यहाँ पर 5+ किया है, तो 5+ करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा Q। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है E, E का कितना प्लस होता है तो K निकल रहा है। ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर E। ठीक है, E का प्लस करते हैं तो यहाँ पर 6+ करके देखते हैं, 6+ कर दिया तो यहाँ पर हो गया K। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, क्या ट्रिक अपना रहा है, पहले M के बाद क्या आ रहा है N आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया 2+ कर दिया,
फिर उसके बाद 3 प्लस कर रहा है, फिर उसके बाद 4 प्लस कर रहा है, उसके बाद 5 प्लस कर दिया, उसके बाद 6 प्लस कर दिया, ठीक है। तो हम लोग सेम ट्रिक को फिर से अपनाते हैं अगले पर, जो लिखा हुआ है पी एच ओ एन ई। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या ट्रिक अपना रहा है। चलिए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पी एच ओ एन ई, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या ट्रिक, पहले वाला ट्रिक हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले पी था तो यहाँ पर क्यों आएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई घर नहीं छोड़ रहा है, यानी पहले हम उस पहले वाले की ट्रिक पर फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या है, एच है तो एच कितना प्लस होगा पहले वाले के जैसा, 2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा जे, ये आ गया जे। उसके बाद आ गया क्या, ओ, ओ को अगर प्लस करेंगे यहाँ पर हम लोग प्लस 3 करते हैं, तो 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद एन, एन के साथ अगर हम प्लस करते हैं 4, ठीक है दोस्तों। तो 4 प्लस करेंगे तो फिर इसके ये आ गया आर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब रह गया ई, तो ई के साथ कितना प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर ई लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ई के साथ हम लोग 5 प्लस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ये आ जाएगा, आपको समझ में आ गया। पी के पास ये यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी, राइट आंसर। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है ए आर ओ यू एन डी, यहाँ पर नंबर वाइज लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी देखते हैं आर ए यू ओ डी एन, चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने नंबर में आर है, 2 में आर, उसके बाद आ गया ए 1 में है, उसके बाद यू 4 है, उसके बाद एन में यहाँ पर लिखा हुआ है ओ, ओ 3 में है, उसके बाद आ गया डी 6 है, उसके बाद एन 5 में। ठीक उसी तरह हम लोग करेंगे जी आर ओ यू एन डी, ग्राउंड को सॉल्व करते हैं। जी आर ओ यू एन डी, ठीक वही ट्रिक हम लोग अपनाएंगे। 1 2 3, थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक हम उसी ट्रिक को, आर का मान 2 हो गया। अभी जी कितना में है, 1 में, तो चलिए हम लोग लिखते हैं जी। उसके बाद आ गया 4, 4 में क्या है, यू, ठीक है। उसके बाद आ गया 3, 3 का मान क्या है, ओ, तो लिख 3 लिख दिया। उसके बाद आ गया 6, 6 का मान डी है तो यहाँ पे हमने डी लिख दिया। उसके बाद 5, 5 कितने हैं, एन में है तो यहाँ पर एन लिख दिया, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आया होगा।
अभी हम लोग देखते हैं आंसर कौन सा आ रहा है। ये आ गया बी, इसका आंसर सही आंसर बी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टॉप को कैसे सोल्व किया है एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। एस टी ओ पी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है टू टू थ्री फोर सिक्स। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं पॉट का मान क्या होगा, फटाफट निकालते हैं। पी ओ टी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पी का मान सिक्स है, तो यहाँ पर सिक्स बैठा रहे हैं। उसके बाद ओ का मान फोर है, तो फोर बैठा रहे हैं। उसके बाद टी का मान, तो टी कितने में है, थ्री। ये हो गया हमारा राइट आंसर, राइट आंसर ये है। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो में मेरा जो है वो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और मस्त रहिए।